ओम शांति। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो है कि हम इरिटेशन या चिड़चिड़ेपन से कैसे मुक्त हों। हम जब परिवार में आपस में रहते हैं मिल करके, तो हम कई बार देखते हैं कि हम इरिटेट होते रहते हैं कुछ बातों को लेकर के, है ना। गुस्सा नहीं करते हैं लेकिन इरिटेट होते रहते हैं। गुस्सा करते हैं तो हम व्यक्त कर लेते हैं अपनी भावनाओं को, लेकिन इरिटेशन में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं लेकिन हम अंदर ही अंदर इरिटेट होते रहते हैं। गुस्सा करने से हमारी जो है ना संबंधों में मधुरता नहीं रहती है, ऐसे ही इरिटेट होने से भी धीरे धीरे संबंधों में कटास आने लगती है, क्योंकि इरिटेशन में व्यक्ति एक दूसरे के साथ बोलना बंद कर देता है। और इरिटेट होने से हम कई बार आपस में बोलना छोड़ देते हैं। इरिटेशन जो है अगर हम करते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, तो कभी ना कभी ये गुस्से के रूप में व्यक्त होगा। या इरिटेशन से जो बहुत बड़ा नुकसान है कि इरिटेशन वाला व्यक्ति कभी ना कभी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस इरिटेशन से मुक्त होने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि मुझे सदा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और मुझे इस इरिटेशन से मुक्त होना है। इरिटेशन से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हम पक्का संकल्प करें कि कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है, कैसी भी परिस्थिति हो मुझे उसको रिएक्ट नहीं करना है, उस पर इरिटेशन को नहीं दिखाना है, लेकिन हम सदा खुश रहेंगे। अगर यह हमारा संकल्प पक्का है तो हम इरिटेशन से मुक्त हो सकते हैं। हर एक के अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं इरिटेट होने के, लेकिन जो देखा गया है, जो अनुभव में आई है बातें, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहला जो कारण होता है कई बार इरिटेशन का, कि हमारे जो साथ लोग रहते हैं उनके संस्कार, उनके विचार जब आपस में मैच नहीं होते हैं तो भी हम इरिटेशन में आते हैं। हम कुछ कर रहे हैं और सामने वाला उनके संस्कारों के कारण हम इरिटेशन में आते हैं। जैसे कि है ना, अगर मुझे सफाई पसंद है और कोई जानबूझ के कूड़ा कचड़ा फैलाता है, अभी मैंने पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ और कोई उस पर ही आकर के उसको गंदा करता है, तो हम कई बार गुस्सा ना करके हम इरिटेशन में आ जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये बात याद रखनी है इरिटेशन से मुक्त होने के लिए कि एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, अर्थात ना हम अपनी एक्सेप्टेंस पावर को, अपनी स्वीकार करने की शक्ति को बढ़ाएं। हर एक व्यक्ति को, हर एक परिस्थिति को स्वीकार करते जाएंगे कि हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर जो भी है वो यूनिक है, उसके संस्कार, उसके विचार अलग होंगे, मेरी सोच, मेरे विचार अलग होंगे, मेरी पसंद अलग होगी। कभी भी एक दूसरे के विचार और पसंद सबके मैच नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्वीकार भाव जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना हम इस इरिटेशन से मुक्त होंगे और हम सबके साथ रहते हुए बहुत ही प्रसन्न रह सकेंगे, बहुत ही खुश रह सकेंगे। दूसरा कई बार ऐसा कारण बनता है कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं अपने कार्यों में और कार्य की इतनी अधिकता हो जाती है कि हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है। नींद की कमी के कारण भी कुछ लोगों को इरिटेट होते देखा है कि वो ना छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या इरिटेशन में आते हैं, लेकिन वास्तविक कारण होता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो इसके लिए हम हमेशा ध्यान रखें कि हम अपनी नींद पूरी करें। उसके लिए क्या करेंगे, रात को जल्दी सोएं और सुबह भी टाइम पे उठें। अगर हम लेट रात को जागते रहते हैं और सुबह भी हमें कार्य के कारण जल्दी उठना पड़ता है तो अवश्य ही आप दिन भर इरिटेट रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि हम रात को जल्दी सो जाएं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, दिन भर में भी हमें सोने का अवसर नहीं मिलता
और हम इरिटेट हो रहे हैं, तो हम ये बात अवश्य ध्यान रखें कि इरिटेट होने की जगह इरिटेट होकर कार्य कर रहे हैं और आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं, इसकी बजाय हम कार्यों को जल्दी समेट करके अपनी नींद को पूरा करें ताकि इस इरिटेशन से मुक्त हों और दूसरों को भी हम परेशान ना करें। तीसरा, कई बार कारण ऐसा देखा गया है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम बीमार हैं और फिर हमें बहुत सारा कार्य करना पड़ रहा है, तब भी हम इरिटेशन में आकर के कार्य करते रहते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि कार्य को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। तो उस समय ये मंत्र हम सब याद रखें कि सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, अगर वो मेरे साथ है ना, उसकी हजार भुजाएं मेरे साथ हैं, तो वो किसी ना किसी को या तो सहयोग देने के लिए हमारे पास भेज देगा या हमारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि हम कार्य भी करेंगे और हल्के रहकर करेंगे। इरिटेशन का कई बार ये कारण होता है मैंपन भी, कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इतना किया, मैं ही करता हूँ, ये भी इरिटेशन का कारण बनता है। लेकिन हमेशा हम याद रखें कि मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार परमात्मा वो करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। अगर निमित्त समझकर कार्य करेंगे तो हम इरिटेट नहीं होंगे, हम सबको सुख दे पाएंगे। तो सबको सुख देने का ख्याल रखें और हमेशा ये याद रखें एक मंत्र कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। कोई भी कार्य करते हुए इस स्वधर्म में स्थित रहें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अंदर ही अंदर ये मंत्र अगर हम पक्का कर दे हैं तो हम इस इरिटेशन से मुक्त हो सकते हैं, चिड़चिड़ेपन से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से सबके साथ मिलजुल के हम चल सकते हैं। तो हमारा जीवन सदा हम प्रसन्न रहें, हमारे जीवन में हम सबके साथ मिलजुल के चलें, उसके लिए हम हमेशा ना ये मंत्र पक्का कर लें कि मुझे खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है, मुझे ना इरिटेट होना है ना किसी को करना है। ओम शांति।